हजरत गौसे आजम ने फरमाया मैं जे अपना हाथ अपना बोलो तकदीर मुबरम च पा तकदीर मुबरम का पता कि किनू है तकदीर दिया तीन किस्म किनिया एक तकदीर होंगी उन्होंने तकदीर मुअल्लक जड़ी वलिया की दुआ नाल टलदी एक होंगी है मुशाबा बिल मुबरम लेकिन गौसे आजम फरमांदे ने जे मैं अपना हाथ तकदीर मुबरम च पा मेरा मौला फरमांदे अब्दुल कादर दा हाथ है असा खाली नहीं करना तकदीर मुबरम अल्लाह दा वली रब खाली नहीं लुटांदा फरमांदे ने जदों रब ने इस गुनाहगार नूं अपने आल इशारा कर इस फकीर नूं इह होई दौलत दित्ती फिर मेनू पता लगा गौसे आजम सच रब ने मेनू अदमत अता फरमाई कि मैं अगर तकदीर मुबरे में हथ पा रब आंदा मुजद्दद अल-फिसानी दा हथ असा खाली नहीं करना अल्लाह दे वली तकदीर बदल दे बोलो अल्लाह दे वली हजरत शाह अला बख्श तौसी आखो रहमतुल्लाह अल्लाह दे वली होए बड़ी जिंदगी दा हिस्सा मदीने शरीफ गुजारिया आखिरी उम्र च इन्हां दा की लतां नूं फालज हो गया ते लोकी पालकी ते चुक के मस्जिद लजांदे सन ये समझ आ गई जे ना कि वली हुंदे मस्जिदां च जाण वाले नहीं समझे कोट कोट पीतियां गुजारे गल ये साडे पीर ने ना इन्हां नूं असी मनने आ ऐ मेंबरे रसूल ए गल खरी करनी चाहिए ठीक है ना आग उठने वाले ते पीने वाले कत्तन ना ए पीर है ही नहीं एक कुंदरे गद्दी नशीन एक गद्दी नशीन अजी नहीं बंदे ना असी उन्हां नूं मनने आ जिनकी हर हर अदा सुन्नत ए मुस्तफा ऐसे पीर ए तरीकत पे लख हो अच्छा वो मस्जिद जाते सन ते राज खलोता हुंदा सी कि हिंदू कौन बोलो जदों मस्जिद पालकी लगी जाती है राज हिंदू खलोता हाथ बन के आंदा है ख्वाजा जी पले नू पले दी लाज मेरे ख्वाजा दा फरमाने हां 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 भाई हां पले नू पले दी लाज जदों वापस जाते ने हिंदू उत्थे खलोता है इत्थे काली की बिंदी काफरा चो बंदे भले हो सकते पैदा मुसलमान चो भला बंदा पैदा हो सकता है काफरा चो बंदा भला पैदा हो सकता है मुनाफका जो कभी भले नहीं पैदा हो काफर भी भला हो सकता है ते मोमिन भी भला हो सकता है मोमिन ते नहीं भला है काफरा जो भी भला पैदा हो सकता है लेकिन मुनाफका जो भले नहीं जमदे मुनाफका जो शारी हो सकता है तवज्जो फरमाओ आंदा जी भले नू भले नहीं ला दे
ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡੂ ਜੇ। ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਖਲੋ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਨ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਈ ਜੀ ਪਲੇ ਪਲੇ ਦੀ ਲਾਜ ਪਲੇ ਨੂੰ ਪਲੇ ਦੀ ਲਾਜ सोची पै गए पुछिया दसो लोको किथे जड़ा रोज आता जी पले नू पले दी लाज। लोकां ने आखिया हिंदुआ ने वो साडा पापा बीमार ते मरदा पिया। फिर मैं चलो ओदे घर गए घरदिया नू आखिया भी मैनू थोड़ा मिला दियो। घरदिया ने आखिया अच्छा काए नाल जी बड़े बड़े गंदे मजे पई होने ने पर हिंदुआं तो थले थले ये पता जे। अगले दिन सुल्तान जी पूरे सती दी रस्म खत्म की थी। जिहड़ा बंदा मर गया बीबी नाल नचदी जाणा ते ओह उहनां मड़ियां दे विचों ने जिंदा सड़ना। तौबा तौबा एडा गंदा मजहब हिंदू तो ज्यादा गंदा मजहब है ही नहीं। उहनां आखिया जी गल इह साडे विच रवाज है साडे मजहब विच है कि जदों कोई मरने पैंदा ना मरन लग पैंदा असी तो यासीना पढ़ तसलियां दे कलमा याद करा साडा दे तरीका ना। मरन वाले नूं इह नहीं आखी कलमा पढ़ जो ना पढ़े तो काफर हो गए कोल उची उची कलमा सिर्फ पढ़ी है ताकि सुन के पढ़ जाए। मरन वाले नूं इह नहीं आखी कलमा पढ़ मरन लगा